नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कासिम भट्टी और जावेद खान। आज हम इन दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि देश के क्या क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो सुसाइड करने का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम कासिम भट्टी से सवाल करते हैं कि हमारे देश के की जो हालत है, सुसाइड करने का रेट जो इतना बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात है? पिछले तकरीबन 10 सालों के अंदर 15 से जो 24 साल के नौजवान है उनमें 200% जो है इजाफा हुआ है खुदकशी में। और एक तहकीक के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि फाइनेंशियली जो कंडीशन है, फाइनेंशियली दबाव की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज भी एक केस सामने आया है जो कर्नाटका के जो सीएम है उनकी बेटी ने सुसाइड करी है। उसको तो फाइनेंशियली कंडीशन कहीं ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि उसको होगी जिस वजह से उसने, इसके और भी बहुत ज्यादा जो है रीजन हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है, स्कूल और सोसाइटी का दबाव हो सकता है बच्चों पर। और फिर इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी जब सुसाइड करता है तो उसका एक प्री प्लान होता है, कोई एक रात में सुसाइड नहीं हो सकती। उसकी बहुत सारे हमारे सामने जो है एक अशारितन आ जाते हैं, जैसे कि कोई बोल रहा है अपने घर के अंदर या कोई लड़की या लड़का है कि मैं भाग जाऊंगा घर छोड़कर, मैं चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जो है गलत वो कर लेगा। तो इस वजह से ऐसे अशारे हमारे मुआशरे के अंदर घर में बहुत सारे हमें जो है देखने को मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसी बातें होती हैं सुसाइड करने से पहले। तो हमें जो है इस पर कंट्रोल करनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी है। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे अगर मामलात ऐसी बातें सामने आती हैं तो हमें उन पे जो है रोक लगानी चाहिए। जब सुसाइड हो जाती है तब लोग इस चीज़ को भी वाजह करके बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो छोटा सा मुद्दा था, छोटी वजह थी, इसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, सॉल्व हो कर लेना चाहिए था। लेकिन वो बाद में बातें होती हैं, इससे बेहतर है कि पहले हमें जो है इस पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर जो सुसाइड होती हैं वो ना सिर्फ फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से होती हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ लोग जो है नशा करते हैं, उसकी वजह से नशे में लत हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को जो है संभाल नहीं पाते, सोसाइटी के ताने से जो है सुसाइड कर लेते हैं। कुछ वाकई में फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से सुसाइड करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सब कुछ होने के बावजूद भी उनके ऐसे जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके मतलब कोई एक जो वजह नहीं है, बहुत सारी वजह जो है सामने आई और ये बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई जो है लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम के अंदर बिल्कुल जो है बताया गया है कि खुदकशी करना जो है हराम है, उसके बावजूद भी लोग जो है करते हैं। और हमारे जो पुलिस भी अभी तक इसके ऊपर जो है काफी कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी पूरे तरीके से इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि कासिम भट्टी ने बताया कि हमारे मुल्क में सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस में इकोनॉमी की क्या कंडीशन रही है, इकोनॉमी लगातार गिरती हुई जा रही थी, पर कैपिटा जो इनकम थी वो भी कम होती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे जो है टेंशन डिप्रेशन के चलते लोग सुसाइड करने पर आमादा हो सकते हैं। तो इस पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह उनको रोका जाए। बहुत सारी एनजीओ काम करती है कि सुसाइड को कम किया जाए, लेकिन उन एनजीओ को कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत गवर्नमेंट फंड से एनजीओ बनाए और ऐसे एनजीओ को सपोर्ट भी करे ताकि हमारे मुल्क में सुसाइड करने वाले लोगों को रोका जा सके, इससे इस जुर्म से बचाया जा सके। जैसा कि हमारे संविधान में कानून भी है कि सुसाइड करना एक जुर्म है, तो पुलिस देर से जागती है। इसके लिए पहले हमें कदम उठाना होगा, हमारी हुकूमत को इस और तवज्जो करना होगा। समाज शास्त्र के मुताबिक हम अगर बात करते हैं तो सुसाइड करने वाला आदमी जो व्यक्ति होता है वो सुसाइड ऐसे ही नहीं कर लेता है, बल्कि जब उसको कहीं आगे चलकर रास्ता नहीं मिलता है, किसी भी मुद्दा कोई भी हो सकता है, उसकी समस्या कोई भी हो सकती है, जब उसको रास्ता नहीं मिलता है, एकदम लास्ट में वो खड़ा नजर आता है, तब वो सुसाइड करने की सोचता है। ऐसा जो है समाज शास्त्र के जो थिंकर्स हैं, बड़े बड़े ऑडियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं, उनका मानना है। तो हुकूमत को उनके जो है समझबूझ से बात करके कोई ऐसा समाधान, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इतने बड़ा जुर्म हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर लोग मौत की भेंट चढ़ रहे हैं, उनको उनसे रोका जा सके। अभी हाल ही में देखने को मिला, आज सुबह की खबर है कि कर्नाटक के एक्स जो है वजीर आला, जो एक्स वहां के सीएम थे, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली।
वजह उनकी समझ में नहीं आ रही। जब उनका नौकर उनका उनको नाश्ता देने पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है तो वो फांसी से फंदे हुए से लटकी हुई मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं सुसाइड करने वाले हर तबके के लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो गरीब है वही सुसाइड कर सकता है। अमीर और हाई सोसाइटीज के लोगों में भी ये मामला देखने को मिल रहा है, तो इस पर एक विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है। और हम चलते हैं अपने अगले मुद्दे पर। हमारा अगला सवाल जावेद खान जी से है। जावेद खान हमें ये बताएंगे कि हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा टीपू सुल्तान का नाम उछाला जा रहा है और एक गंदी राजनीति के तहत, साजिश के तहत उनको बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है ताकि उनकी सियासी रोटियां जो है सेकी जा सके, तो इस पर जावेद खान हमें तफसील से बताएंगे। जी जावेद खान जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश की राजनीति है जी, वो राजनीति विकास पे नहीं होती कभी जी। विकास का मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है तो ये हिंदू मुसलमान। और ऐसा ही फिर हुआ है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम मैसूर का शेर टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, उनसे लड़ाई लड़ी और 1780 या 1784 के अंदर युद्ध में अंग्रेजों को हराया भी था, बाद में वो खुद भी आ रहे थे लेकिन अंग्रेज उनके सामने जाने से डरते थे, अंग्रेजों से लोहा लिया, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो टीपू सुल्तान, वो महान टीपू सुल्तान जिनकी याद में 2014 के गणतंत्र दिवस परेड में उनकी झांकी भी निकाली गई। कहीं ना कहीं महान है तभी तो झांकी निकाली गई। लेकिन कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो देशद्रोही थे, उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये कहां से उनको सीखने को मिलती है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे टीपू सुल्तान की विजय गाथा को। जब 26 जनवरी की परेड में उन्हें मौका मिल सकता है तो कहीं ना कहीं जो कभी भी परेड होती है तो कोई भी अगर झांकी निकलती है तो वो बड़े बड़े RSIS के सामने से होके निकलती है। तो इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को समझना चाहिए कि टीपू सुल्तान ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि देश के लिए मंदिर बनवाए हैं, मंदिरों को सुरक्षा दी, उनको जवाहरातों को सुरक्षा दी है, नहीं तो अंग्रेज तो सब कुछ लूटने में तुले हुए थे। ये कुछ शासक थे हमारे देश में, कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हमारे देश की काफी हद तक सुरक्षा की है। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है, पहला मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने मंदिरों के भी काफी तामीर करवाई है भारत के अंदर। तो ये चीजें अगर वो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा ना, थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हटकर टीपू सुल्तान के इतिहास के बारे में पढ़िए। दरअसल ये मुद्दा उठा क्यों, मैं भी बताना चाहूंगा आपको। मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर असलम शेख विधायक है, जिन्होंने एक अपने विधायक कोटे से एक स्पोर्ट्स जो है कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसका नाम वो टीपू सुल्तान करना चाहते हैं। बस इसको लेकर बजरंग दल, RSS, BJP जो है विरोध कर रही है, पुतले जला रही है। और ये विरोध उन्होंने आज ही नहीं किया, पहले भी वो कई बार विरोध कर चुके, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए मुस्लिम नाम। वो हर मुस्लिम को ऐसे ही घेरती है क्योंकि जो उनके पीछे रहते हैं उनको तो ये पता नहीं रहता, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनको तो सिर्फ उनका पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ो आप टीपू सुल्तान का। अगर टीपू सुल्तान वाकई में देशद्रोही होते तो क्या 26 जनवरी के अंदर 2014 में उनकी झांकी निकाली जाती हमारे देश में? थोड़ा पढ़े और उसके बाद में आप विरोध करें। एक स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं अगर लोग ऐसा कर रहे हैं। टीपू सुल्तान जिंदाबाद है और देश के एक बाइज्जत जो है स्वतंत्रता सेनानी है। बिल्कुल, जैसा कि जावेद खान जी ने बताया कि जैसे गंदी राजनीति के तहत एक मखसूस शख्स का, जो कि एक मुसलमान तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, राजा था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, इस मुल्क को बचाने का काम किया, मुल्क से लोहा लिया, और इस पर जावेद खान जी और कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको अभी कहा था कि टीपू सुल्तान ने जो है मंदिरों की सुरक्षा की है। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीपू सुल्तान को मैसूर के बहादुर शासक के रूप में माना जाता है। उनके पराक्रम को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें शेर ए मैसूर कहा था। टीपू सुल्तान को कुछ लोग बहादुर देशभक्त बताते हैं तो वही कुछ लोग उनको सांप्रदायिक शासक बताते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैसूर में हिंदू बहुमत थे, मैसूर में जो है हिंदू बहुत बड़ी तादाद में थे, वहां के ये शासक रहे, उन्होंने लोगों ने उनका साथ दिया है। इसलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर समेत राज्यों के कई स्थानों पर कई मंदिर बनवाए हैं। ये डेटा है मेरे पास सर, मैं एक बड़े अखबार का डेटा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इतिहासकार TC गोड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटे, नाजनगुड, श्रीरंगपट्टनम, कोलेर जैसे मंदिरों के जवाहरातों की अंग्रेजों से सुरक्षा कराई है।
1769 में आदि शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला कर दिया था, तो हिंदुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण कराया। तो मैसूर जहां पर बहुमत में हिंदू निवास करते थे, वहां के मंदिरों की सुरक्षा की, तो ऐसे देशभक्त को आप कैसे गद्दार कह सकते हैं और कैसे सांप्रदायिक बता सकते हैं? ये तो देश की राजनीति है, जिस वजह से बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी को भी अपमान झेलना पड़ता है और जो है सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल, जैसा कि जावेद खान ने बताया कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन हर तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। हर एक पॉलिटिकल, हर एक सियासतदान का अपना एक नजरिया होता है। कोई जो है अपना हिंदुइज्म दिखाने की कोशिश करता है, जो कि जाहिर है, साफ तौर पर दिखता है, उनका फेक हिंदुइज्म होता है। अगर वो सच्चे हिंदुइज्म की बात करें तो ये देश गांधी जी के दौर में आप देखिए तो गांधी जी, नेहरू और मौलाना आजाद और अशफाकुल्ला खान सब साथ नजर आते हैं। तो जब जमहूरियत की बात होगी तो यही सब बात होगी, लेकिन जब जमहूरियत के अलावा कोई बात होगी, कोई नई सोच की बात होगी, तो इसी तरह के मामला सामने आते रहेंगे। कासिम भट्टी कुछ कहना चाहते हैं? जी कासिम, देखिए जैसे कि जावेद जी ने पूरा तफसील से बता दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेंस किया जा रहा है। आप भी बाखूबी इस चीज से वाकिफ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 हमें बताई गई है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उसमें जो है फ्रीडम फाइटर भी हमारे आते हैं। केवल ये नहीं कि 1947 के बाद है, कि उससे पहले भी लोगों ने इसके लिए जदोजहद की हिंदुस्तान के लिए, उनमें से एक बड़ा नाम टीपू सुल्तान का भी है। तो हमें जो है उस आज़ादी की जदोजहद को जो है बरकरार रखना चाहिए, उसकी तारीख को पढ़कर जो है कोई फैसला लेना चाहिए, ना केवल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से सीख कर और लोगों के कहे हुए या राजनीति खेलने से, सियासत खेलने से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वायलेंस करना, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इसके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वायलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, कासिम भट्टी कहीं ना कहीं यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने योगदान दिया, सभी लोगों ने कुर्बानियां पेश की हैं, हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर जो मुजाहिदे आज़ादी थे उनके खिलाफ तो हम बात नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ अगर बात करता है कोई तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी आज़ादी के जो मुजाहिद थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत ना कर सके कोई। अगर किसी को यकीन नहीं है तो जाकर के इंडिया गेट पर दिल्ली पर देखे कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं उसमें से क्या एक ही धर्म के लोग के नाम है? वहां पर सारे धर्म और सारे मजहब के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसको यकीन नहीं आता वो देख सकता है। तो सबूत तो हमारे सामने है, लेकिन एक मखसूस आइडियोलॉजी को जो प्रमोट किया जा रहा है एक साजिश के तहत, वो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। खतरा हमारे देश को ही नहीं बल्कि हमारे देश की जमहूरियत और संविधान को है। तो अगर संविधान को बचाना है तो इस तरह की सोच को कुचलना होगा, दबाना होगा, नहीं तो हमारी नस्लें इसका खामियाजा भुगतती हुई नजर आएंगी। आज के न्यूज रूम लाइव में इतना ही, अगले न्यूज रूम लाइव में हम और बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।